हेलो फ्रेंड्स, रश्मि के तरंगी रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि सर्दी जा चुकी है और सर्दियों में तरह तरह की सब्जियां आती हैं और कोई भी सब्ज़ी बहुत स्वादिष्ट लगती है, और गर्मियों में खाना भी सबका कम हो जाता है और कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। सब्जियां भी अजीब रूखी रूखी सी आती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं होता है और खाने की इच्छा कम हो जाती है, लोगों का खाना ही कम हो जाता है। तो ऐसे में ये होता है कि कौन सी ऐसी चीज़ें बनाई जाए जिससे कि भरपेट लोग खाएं और बहुत मन से खाएं, और ये भी मैटर करता है कि मेहनत भी उसमें ज़्यादा ना लगे। तो चलिए, क्या बनाना है ये मैं बता देती हूँ। तो ये है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मैंने अंगूर रखा है, हरा वाला अंगूर देख रहे हैं आप, और कुछ मसाले हैं। तो मैं इसी की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। इसको हमने धो लिया है अच्छे से, और इसको हमेशा आपको हरा वाला लेना है। जैसे कि ये हल्का पक गया है ये, और ये बिल्कुल हरा है, तो इसमें खट्टा मीठा टेस्ट आएगा, और कोई ख़राब हिस्सा हो तो आप इसको काट के हटा दें। अब जैसे इसमें काला हिस्सा है तो इसको भी काट के हटा दें, और इसको अच्छे से धोना 2-3 पानी से बहुत ज़रूरी है। और इसको मैंने बंच से अलग कर दिया है इन सबको, और ये बंच में है अभी। हमेशा आप हरा ही लें। और ये कुछ मसाले हैं, तो ये है लहसुन अदरक का पेस्ट, ये है 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, ये है गरम मसाला 1/2 छोटी चम्मच, ये है हरा धनिया, ये आप लाल मिर्च देख रहे हैं, ये थोड़ी सी हल्दी है 1/2 छोटी चम्मच, और ये स्वादानुसार नमक। लेकिन इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें डालूँगी मैं, तो चलिए आपको मैं बना कर ही दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने कढ़ाई गरम कर ली है। अभी जब तक कढ़ाई हो रही है, तेल डाल दिया है मैंने, तब से मैं मीडियम साइज़ प्याज लिया है जो कि रफली चॉप कर लिया हमने, और आप ग्राइंड कर सकते हैं। मैं चॉपर में चॉप कर रही हूँ, वो भी मीडियम साइज़। टमाटर भी लिया है, ये भी मैं चॉप करूँगी, इसे भी आप ग्राइंड कर सकते हैं। और इसमें मैं जीरा डाल दे रही हूँ, जीरा और तेज़पत्ता। जब तक ये चटकेगा तब से ये मैं चॉप कर लूँगी, और ये जब तक होता है तब से मैं ये 4 बड़ा चम्मच मैंने दही लिया है। ज़्यादा दही खट्टी नहीं है, तो इसमें मैं दही वाला मसाला बना ले रही हूँ। डालना मेरे को बहुत कुछ है, आप प्लीज़ इसको पूरा वीडियो को आप ध्यान से देखें। ये देखिए, 1/2 छोटी चम्मच मैंने हल्दी डाल दी है, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च है, आप अपने हिसाब से डालें कम या ज़्यादा। ये धनिया पाउडर है, ये भी मैं 1/2 छोटी चम्मच डाल रही हूँ, थोड़ा सा ये भी डाल दिया मैंने। और ये गरम मसाला, तो ये मैं बाद में डालूँगी, और इसी में मैं नमक भी मिला रही हूँ, लेकिन नमक मैं इसमें थोड़ा सा भी मिलाऊँगी, और आधा प्याज के समय डालूँगी जिससे कि वो गल जाए। और ये मैंने लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट 1 छोटी चम्मच, और ये एक चीज़ है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, ये काजू और मूंगफली का पेस्ट है। ये थोड़ा गहरे कलर का आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने मूंगफली के छिलके नहीं निकाले थे। तो ये देखिए, गाढ़ा गाढ़ा सा मैंने पेस्ट बना लिया। तो चलिए इसको भी मिक्स कर लेती हूँ, अच्छे से इसको मिक्स करना है, और दही एकदम फिट जानी चाहिए बिल्कुल अच्छे से। तो चलिए चॉप करके मिलती हूँ मैं आपसे। तो फ्रेंड्स, ये जीरा तेज़पत्ता बिल्कुल चटक गया है, तेल उड़ता है इसलिए मैं थोड़ा सा फैला दे रही हूँ जिससे उड़ना बंद हो जाए। ये देखिए, आज इस टाइम मीडियम ही रखनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा टमाटर और ये प्याज गल गया है, तो इस समय मैं डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट जो कि मैंने 1 छोटी चम्मच लिया था। इसका कच्चापन ज़रा दूर हो जाए, उसके बाद बाकी चीज़ें मैं डालूँगी।
और इसी समय मैं थोड़ा सा नमक भी डालूंगी, बहुत थोड़ा सा, ताकि ये गल जाए, क्योंकि मैंने दही में भी थोड़ा सा डाला है। और ये तो कुल मिला के हमें एक चम्मच से थोड़ा सा कम नमक डालना है, एक छोटी चम्मच, बड़ी चम्मच नहीं। अब इसी टाइम पे मैं ये पेस्ट भी डाल दूंगी, काजू और मूंगफली का पेस्ट, दो बड़ा चम्मच मैंने लिया है, 10-12 मूंगफली ली थी हमने, 4 पीस काजू लिया। तो चलिए इसको धीमी आंच पे थोड़ा सा पका लेते हैं, सारे मसाले गल जाएं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये मसाला बिल्कुल 80% करीब पक चुका है। तो इस टाइम पे मैं इसमें हींग डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं, हींग तो ज़रा सा होता है इसलिए जल्दी ही जल जाता है, इसलिए बाद में ही डालना चाहिए। और अब मैं ये दही वाला मसाला डाल रही हूँ, बिल्कुल घुटी हुई दही है और इसको थोड़ा जल्दी जल्दी चलाना पड़ता है ताकि दही फट ना जाए। और इस टाइम में मैं थोड़ा सा आँच को तेज़ करूँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं करना है, ऐसे में भी दही फट जाने का डर होता है हमेशा। जिस भी सब्ज़ी में आप दही डालें, यूज़ कर रहे हैं, जब भी कोई ग्रेवी बना रहे हैं, तो उसमें आंच का बहुत ख्याल रखना होगा। और आप स्टर, बस इसको स्टर जो कर रहे हैं, इसको आप ध्यान से करें, धीरे धीरे नहीं, आपको स्पीडली करना पड़ेगा। अब थोड़ी सी आंच मैंने कम कर दी है क्योंकि बहुत ज़्यादा उबाल आ रहा था और ऐसे में मसाले उड़ते हैं। तो चलिए इसको थोड़ी देर मैं पका लेती हूँ, कम से कम 5-7 मिनट लगेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं ये गरम मसाला डाल दे रही हूँ, आधी छोटी चम्मच मैंने लिया था, और ये जो तीखी नहीं होती मिर्च वो मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा टेस्ट और कलर के लिए। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अब इसमें मैं 1/2 बाउल पानी डाल रही हूँ और इस समय मैं आँच तेज कर दूँगी। ये देखिए बिल्कुल अच्छी सी ग्रेवी बन जाएगी, ये देखिए कलर वगैरह कितना सुंदर आया है और खुशबू भी मुझे बहुत अच्छी आ रही है। कभी भी कोई सब्ज़ी ना समझ में आए और अगर आपके पास ये चीज़ है तो आप ये कर सकते हैं, या कुछ डिफरेंट खाने की इच्छा हो तो आप ये अंगूर की सब्ज़ी बना सकते हैं। तो चलिए मैं अब इसमें ये भी डाल दे रही हूँ, अंगूर भी डाल रही हूँ। तेज़पत्ता सब्ज़ी भूनने में बहुत दिक्कत हो रही थी इसलिए मैंने हटा दिया था, और इसमें थोड़ा सा और भी पानी डाल दूँगी मैं, थोड़ा सा पानी मुझे कम लग रहा है इसलिए मैं डाल दूँगी थोड़ा सा पानी। और नमक इसमें हिसाब से ही डालें बहुत ही, क्योंकि खट्टी मीठी सब्ज़ी है ये, दही भी डल रही है, थोड़ा अंगूर भी थोड़ा बहुत खट्टा होता है, जैसे कि मैंने हरा वाला लिया है तो नमक कम भी पड़ सकता है, इसलिए आप हिसाब से इसमें डालें, क्योंकि दो दो चीज़ें खट्टी डल रही हैं। दही कितनी भी ज़्यादा खट्टी ना हो फिर भी दही तो दही है। अब इसको मैं ढककर थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल ये हमारी सब्ज़ी अंगूर की बिल्कुल बन के रेडी है, और देखिए कितना खूबसूरत भी लग रहा है देखने में, ये देखिए, और कितना थिक ग्रेवी भी बनी है। तो चलिए इसको किसी सर्विंग बाउल में मैं निकाल देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अंगूर की हमारी सब्ज़ी बिल्कुल बन के रेडी है, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत भी लग रहा है। और मैंने थोड़ा सा धनिया भी, हरा धनिया भी डाल दिया है इस पर। तो आप मेरे तरह से इसको बना के देखें, अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया है तो प्लीज़ ये ज़रूर सब्ज़ी ट्राई करें, क्योंकि बहुत सारी सब्ज़ियाँ खा खा के जब हम लोग उब जाते हैं या सब्ज़ियाँ अच्छी नहीं मिलती हैं, तो ऐसे में हम लोग बेसन की सब्ज़ी बनाते हैं, चने और राजमा बनाते हैं,
तो कुछ ऐसी भी सब्जियां आप बना के देखें, और अगर आपको ज़रा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करके हमें और भी कर दीजिए, जिससे कि आने वाली हमारी ऐसी टेस्टी टेस्टी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।